आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव फरीदपुर हमीर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 7 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 1500 वोट और 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान असलम हुसैन के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर विकास की जिम्मेदारी का सेहरा इनके हाथों में सौंप, इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान असलम हुसैन और सचिव सतपाल सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के फरीदपुर हमीर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, साथ ही लॉकडाउन के चलते भी लोगों की काफी तरह से मदद की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैम जी, जैसे कि 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं, इस कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में करवाए हैं? ग्राम फरीदपुर हमीर सर्वसंघ ग्राम प्रधान, मैंने अपने ग्राम पंचायत में सबसे पहले शिक्षा के संबंध में स्कूल में काफ़ी विकास करवाया है। फर्नीचर स्कूल में लगवाया है, सीसी टेंथ लगवाई है, उसकी उतारी वगैरह बहुत ढंग से कराई गई है। बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा के जो टर्म्स दिए जाते हैं, मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जितना कुछ आपने कोशिश की है, स्कूल का सौंदर्यकरण पूरी तरह से करनी, पूरी तरीके से स्कूल का सौंदर्यकरण करा दिया गया है और समय समय पे उनकी मीटिंग टीचरों के साथ ली जाती है। समय से बच्चों को टाइम टू टाइम मिड डे मील की व्यवस्था कराई जाती है। सही तरीके आप काफ़ी ध्यान देते हैं स्कूल में कि किसी तरह की कोई परेशानी या कमी ना रहे, बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बाकी गांव में जो सरकार से जितने भी योजनाएं जिस तरीके से पात्र लोगों को दी जाती हैं, उस तरीके से हमने काफ़ी प्रयास के साथ दिलवाई गई हैं। विधवा पेंशनें काफ़ी बनवाई गई हैं, जो सरकार के मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ध्यान दिया गया है। विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और जो भी हैं वो सब पेंशनों पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। जो पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो ये भी सभी को मिला है? सब बिल्कुल 100% मेरे यहाँ जो किसान है पात्र, उन्हें सबको किसान सम्मान निधि से पैसे दिलवाए जाते हैं। और शौचालय वगैरह भी जो पात्र हैं, ODF हमारे गाँव में सबसे पहले ODF हुआ था ब्लॉक में, शौचालय पे पूरा ध्यान दिया गया। सरकार जो योजनाएं दे रही है उन पर A to Z तरीके से पूरे प्रयास के साथ ध्यान दिया गया। आवास मिले हैं, मेरे यहाँ 3 आवास मिले हैं, जो पात्र लोग थे उन्हें आवास दिलवाए। सड़कें वगैरह पूरी तरीके से बाकी है, कुछ है बाकी अभी, जिस तरीके से सरकार हमें मतलब पैसा दे रही है हमारी जगह, उसी प्रकार से यह पैसा लगाया जा रहा है। तो अब जैसे कि सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, बारात घर, ये सब बने हुए हैं। इसमें ग्राम पंचायत में हमारी कोई ग्राम सभा की भूमि नहीं है, तो इस पर हम ध्यान दिया गया। तो पंचायत भवन भी नहीं है, बारात घर भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है स्कूल में बनवाया है, खेल का मैदान भी नहीं होगा, कोई है ही नहीं ऐसी ग्राम पंचायत में ऐसी जगह जहाँ अस्पताल, ग्राम पंचायत में कोई जगह ऐसी खाली, कितनी दूरी पर है अस्पताल? अस्पताल थोड़ी दूरी पर ही है, उमरी सब्जी प्रदेश में है। और तो मतलब आपने कभी कोई कोशिश नहीं की इस तरह की, जैसे कि कोई ज़मीन अगर सरकार की तरफ से मदद मिले आपको, जिसमें कि पंचायत भवन या शादी का, जैसे कोशिश की गई, अप्लाई करा गया था निगम से भी, अप्लाई करा था पंचायत के लिए, वहाँ कहीं जगह ना मिल पाई, तो इसलिए हम इसमें चलने फेल हो जाए। जैसे कि 70 दिन का लॉकडाउन पूरी सख्ती के साथ रहा और अभी भी जारी है, इसमें गरीबों को बहुत कई तरह की परेशानियां सामने आई हैं। आपके ग्राम पंचायत में भी कई परिवार ऐसे होंगे जिनके आगे इस तरह की समस्या खड़ी हुई होगी, तो आपका क्या योगदान रहा, उनकी मदद किस तरह से आपने जो है कोशिश की कि आपके ग्राम पंचायत में कोई गरीब परेशान ना हो? जो मेरे यहाँ बाहर से मजदूर लोग आए थे उन पर पूरा ध्यान दिया गया है, और जो सरकार स्तर से जॉब कार्ड वगैरह में या जनधन खातों में जिनकी गड़बड़ी थी वो स्पष्टी तरीके से दुरुस्त कराई गई है। जो मेरे अपने स्तर का काम है, जो निजी समाज सेवक है, उससे मैंने काफ़ी लोगों की मदद की है। पूरे ग्राम पंचायत में जो भी 15 या 10 फीसदी लोग ऐसे हैं
जिन्हें कि ज़्यादा समस्याएं आई हैं, पैसे की भी आई है, खाने पीने की भी आई है, सब्जी की भी आई है, वो मैंने अपने स्तर से यहाँ बंटवाया है, लोगों को घर घर पहुँचवाया है ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना हो। जो इस तरीके के लोग हैं गरीब, कच्चा राशन भी बंटवाया है अपने घर से, वो उससे कोई निधि या सरकार से संबंधित नहीं है, वो हमारा समाज मामला है, तो उस तरीके से उनके घर मदद पहुँचवाई है। वैसे से भी साफ सफाई की व्यवस्था मतलब हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो पूरी तरीके से उन पर ध्यान दिया जाता। क्या आपके ग्राम पंचायत में कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं? ना, मेरे यहाँ भी कोई, क्योंकि मैं खुद सड़क के रोड किनारे बैठा हूँ, हर आदमी का ध्यान रखता हूँ, चौराहे से कौन आदमी गुजरता है कौन नहीं गुजरता, उसमें लॉकडाउन में पूरा ध्यान रखा गया था उनका, पीछे कि कोई आदमी बाहर से हमारे गलत तरीके से तो नहीं आ रहा गाँव में, या कोई हमारे गाँव का आदमी बाहर ना जाए, इस पर पूरा ध्यान मस्जिद के लाउड स्पीकर से समय समय पर जो है ऐलान कराया गया था, तो कोई भी आदमी बाहर ना जा पाए या बाहर के आदमी से नहीं मिले, तो उस पर पूरा ध्यान दिया गया है। अब जैसे कि अपने गांव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए जो कमियां हैं इसमें ना रहने, वो इसके लिए क्या प्रमुख मांग आपकी सरकार से रही? सरकार से ये है कि हमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी नीति से पैसा मिल जाए जिससे कि हमारा थोड़ा विकास हुआ या पूरा हो जाए, जैसे कि रास्ते वगैरह जो कच्चे हैं, जो कच्चे रास्ते हैं। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की अभी और जरूरत? 10-20 परिवार हैं। तो जो ग्राम समाज की ज़मीन आपने बताया कि यहाँ पर नहीं है और उसको लेकर के यहाँ बारात घर पंचायत घर ये बने हुए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सोचा सरकार से कोई ऐसी मदद मिले जिसको कि निजी ज़मीन खरीद के उसे बनवा दिएगा, मतलब धनराशि इतनी सरकार आपको जो है करवाई कि कहीं ना कहीं से आप ज़मीन का वो डिमांड रखी जाती है, कार्य योजना बनाती है तो उसमें डिमांड रखी जाती है। प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास उनके कार्यकाल में यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सड़कों का निर्माण, सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी लोगों को मिले हैं, ODF भी ग्राम पंचायत ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हो चुकी है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान का शिक्षा की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान होते हुए यहाँ स्कूल में सौंदर्यकरण का काम बहुत ही अच्छे स्तर पर करवाया गया है, शिक्षा का, मिड डे मील का, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के जो कोऑर्डिनेशन है उसका बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ ग्राम प्रधान ध्यान देते हैं। इसके साथ ही यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं बाकी हैं, जैसे कि ग्राम समाज की ज़मीन ना होने की वजह से यहाँ बारात घर या पंचायत भवन जैसी कोई भी बिल्डिंग निर्मित नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। हर तबके में, हर ग्राम में गरीब लोग होते हैं जिनकी बहुत ही ज़रूरतें होती हैं शादी घर जैसी जगह की। अशरफली के साथ मनाजिन फिर दिन। क्या नाम है आपका? शाने आलम। कहाँ के नागरिक हो? अच्छा, यहाँ 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? पहले से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, पहले कोई रास्ते सही नहीं थे, अब सारे सीसी टाइल्स लगवा के रास्ते सही हो गए हैं, पेयजल की पहले बहुत दिक्कत थी, अब काफ़ी सारे नलकूप लगवाए हैं, तो पहले से काफ़ी विकास हुआ है। मतलब इनके कार्यकाल से आप सहमत हो, संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट।